उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नौजवानों को समर्था निर्माण और शख्सियत विकास के जरिए खुद को सशक्त बनाने का सद्दा दिता। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी के शताब्दी समागम को संबोधन करदिया उप राष्ट्रपति ने कहा कि जिस समय दौरान जामिया यूनीवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं उस दरम्यान नवी सिक्ख्या नीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति देश लई एक गेम चेंजर साबित होगी। उप राष्ट्रपति ने सिक्ख्या नूं व्यापक समाजिक विकास नाल जोड़न का सद्दा दिता। But something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आलमी पद्धर से एक महाशक्ति वजो उभर रहा है और जरूरतमंद देशों लई मदद का हाथ वधा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मनुख पक्षी सोच रही है और इस दिशा में भारत ने कई उपराले किए हैं। सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति देश के बौद्धिक विकास में योगदान देगी और देश के नौजवान नवी सिक्ख्या नीति के तहत सिक्ख्या हासिल करके राष्ट्र निर्माण में योगदान पाएंगे। हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा जो जर्नी होगा उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में।